Hello everyone and a very warm welcome to SEEKHSHA. So guys, here we are with a new lecture and previous lectures के अंदर हमने evolution देखा 3 phases के अंदर जो industrial relations का India के अंदर हुआ. Now in this particular lecture we'll be focusing on industrial policy in independent India और industrial policy in independent India के अंदर हम various एरियाज कवर अप करेंगे. ठीक है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजंस हैं, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपीज एंड विद टाइम हम इम्पॉर्टेंट एक्ट्स एंड कोड्स भी करेंगे. लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर का फोकस रहेगा वो रहेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड 5 ईयर प्लान्स. तो वेरियस जो 5 ईयर प्लान्स आप जानते हो कि इंडिया ने एक 5 ईयर प्लानिंग का मॉडल अडॉप्ट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो ये 5 ईयर प्लान्स के अंदर क्या प्रोविजंस थे रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस या इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड, वो हमारा मेन टारगेट रहेगा. एंड ये जितने भी लेक्चर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन इनका पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो नीचे गिवन एक लिंक से. पीडीएफ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ पे करने हैं. ठीक है, तो अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो आप लिंक से 99 रुपीज़ पे कर सकते हो. जिन लोगों ने पिछले साल खरीदा था उनको दोबारा से पे करने की ज़रूरत नहीं है, उनके उसी कोर्स में पीडीएफ फाइल्स अपलोड होंगी. ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड 5 ईयर रिलेशंस हम यहाँ पर कवर अप करेंगे. तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया कि आज़ाद हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी की जो मेन फिलॉसफी है वो आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में से मिलती है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, वेरियस डॉक्यूमेंट्स जो प्लानिंग कमीशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या प्लान डॉक्यूमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस हैं, वहाँ से आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी के बारे में पता चल जाता है. सरकार ने टाइम टू टाइम जो मेजर्स अडॉप्ट किए हैं या जो प्लान किया है वो 5 ईयर प्लान्स के अंदर क्लियरली स्टेटेड है. इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी वॉलेंट्री मेजर्स लिए हैं टाइम टू टाइम. वो वॉलेंट्री मेजर्स भी इवॉल्व हुए हैं फॉर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया. 1962 में एक सेकेंड इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन भी साइन किया गया था. ठीक है, ये ट्रूस रेजोल्यूशन जो है ये एक तरीके से ट्राइपेट्रेट होता है. इसके अंदर सरकार, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. तो 1962 के अंदर ये साइन किया गया था और इसके अंदर बेसिकली न्यू दिल्ली में साइन किया गया था. और इस रेजोल्यूशन में क्या बोला गया था कि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा. तो इस कोलैबोरेशन को प्रमोट करना है हर तरीके से. ठीक है, हर तरीके से. ओके, सो दिस वाज द सेकेंड इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन. अब हम बात करते हैं वेरियस 5 ईयर प्लान्स की. तो एक एक करके हम सारे के सारे, टोटल इंडिया में 12 5 ईयर प्लान्स आए हैं, एक एक करके देखते हैं हर 5 ईयर प्लान के अंदर क्या था. तो सबसे पहला आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से 56 तक था, तो ये बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड था प्लान इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड. तो पहली चीज़ तो ये बोला कि देखो जी, वर्किंग क्लास की वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मेजर पॉपुलेशन है, जो मेजर सेगमेंट है, वो ये वर्किंग क्लास है. ठीक है, अगर वर्किंग क्लास वेलबींग में नहीं होगी तो डेफिनेटली हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं सकते. ओके, दूसरा इसमें ये बात हो गई कि देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस के लिए काम करना है. अभी अभी हम गुलामी से बाहर निकले हैं, अब हमें अपने देश को ग्रो करवाना है और स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करवाना है. हम नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी भी तरह का वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन आ जाए. सरकार नहीं चाहती कि वर्किंग क्लास जो है वो विद्रोह कर दे आज़ाद देश के अंदर, क्योंकि अगर फिर वो एक सिविल वॉर या सिविल कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ जाती है, एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने क्या बोला कि वर्किंग क्लास की वेलबींग के ऊपर ध्यान देना है और देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करना है. ठीक है, प्लान बोलता है कि जो वर्कर है ना, वो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है. अगर हम अपने जो प्लान्स हैं उनके टारगेट को फुलफिल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट या जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है ना, वो वर्कर है. तभी हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस मिलेगी अगर वर्कर सेटिस्फाई होगा, अगर वर्कर अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा. तो वर्किंग क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था. अब देखो, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पेपर के अंदर वो पूछ लेता है कि वो आपको ये स्टेटमेंट दे देगा दैट विच 5 ईयर प्लान stated that the principal instrument in the fulfillment of the target of the plan and in the achievement of economic progress is the worker. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेता है. नीचे 4 प्लान्स के ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान. ओके, प्लान ने साथ के साथ क्या बोला कि कैपिटल और लेबर के बीच में जो रिलेशन है वो हार्मोनियस होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो रिलेशन है वो हार्मोनियस होना चाहिए। अगर आप शांति के साथ स्टेबिलिटी की जो बात हो रही है बेसिकली उसी के ऊपर यहाँ पर जो है वो फोकस दोबारा से डाल रहा है। ओके, उसके अलावा फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने क्या बोला कि देखो जी, वर्कर को अधिकार होना चाहिए कि वो एसोसिएशन बना सके, ठीक है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सके, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग को यूज कर सके एम्प्लॉयर के सामने अपनी डिमांड्स को रखने के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से ट्रेड यूनियन का जो सिस्टम है उसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने सपोर्ट किया। सरकार ने प्लान के थ्रू ये बोला कि जो एम्प्लॉयर हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ट्रेड यूनियंस को वेलकम करें, ठीक है, उनको अच्छे से फंक्शन करने दिया जाए इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर, ट्रेड यूनियंस को रोका ना जाए, बेसिकली जो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने टारगेट किया। नेक्स्ट आ जाता है जी आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान बेसिकली 1956 से 61 के बीच में चला। जो फर्स्ट प्लान के अंदर बातें हुई वो एक तरह से रिपीट सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर हुई। उसके अलावा सेकंड 5 ईयर प्लान ने क्या बोला कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करो। उसको स्ट्रॉन्ग करने से क्या होगा, एक तो आप लेबर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर पाओगे और साथ ही साथ प्रोडक्शन के टारगेट्स भी अचीव कर पाओगे, क्योंकि अब क्या होगा ना, एम्प्लॉई सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, एम्प्लॉई सेटिस्फाइड होगा, उसके पास एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का सोर्स आ जाएगा ट्रेड यूनियन के थ्रू, एंड अल्टीमेटली वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई करवा पाएगा, तो प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमाइज होने के चांसेस हैं। एक अनसेटिस्फाइड वर्कर प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज नहीं कर सकता, ठीक है। इसने कुछ मेजर वीकनेसेस भी हाईलाइट की जो एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियंस थी। सेकंड 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट ने बोला कि यार ये जो ट्रेड यूनियंस है ना इनको अपनी वीकनेसेस के साथ भी डील करना पड़ेगा। वो वीकनेसेस क्या थी, कहते एक तो बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बन गई हैं। बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बनने का नुकसान ये है कि वर्कर्स बट गए हैं, तो एक जो कलेक्टिव बार्गेनिंग की स्ट्रेंथ आनी थी वो वीक होती जा रही है। दूसरा, पॉलिटिकल राइवलरीज, क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है ट्रेड यूनियंस का, तो उसका इफेक्ट जो है वो ट्रेड यूनियन के अंदर आ रहा है। ट्रेड यूनियंस के पास पूरे रिसोर्सेज नहीं है, वर्कर्स के जो रैंक है उसमें डिसयूनिटी है, वर्कर्स ही यूनाइटेड नहीं है। तो ये कुछ मेजर वीकनेसेस प्लानिंग डॉक्यूमेंट, सेकेंड प्लानिंग डॉक्यूमेंट ने हाईलाइट की, जिसको डील करना जरूरी था एज पर द सेकेंड 5 ईयर प्लान। उसके अलावा सेकंड 5 ईयर प्लान ने क्या बोला कि भैया देखो, इन चीज़ों के ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है कि स्ट्राइक हो गई तो हम क्या करेंगे, लॉकआउट हो गया तो हम क्या करेंगे। ये बोलता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के चलने हैं हमने, हमें इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करके चलना है, हमने ये नहीं सोचना कि स्ट्राइक हो जाएगी तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है। हमें डिस्प्यूट को अवॉइड करना है कि डिस्प्यूट हो ही ना, और इसके लिए जरूरी क्या है कि लेबर और मैनेजमेंट के बीच में जो एसोसिएशन है उसको इंक्रीज किया जाए, इनके बीच में जो इंटरैक्शन है उसको इंप्रूव किया जाए। नेक्स्ट आ जाएगा जी आपका थर्ड 5 ईयर प्लान, जो 1961 से 66 के पीरियड का प्लान था। अब इस प्लान के अंदर क्या बोला गया, इस प्लान के अंदर आर्बिट्रेशन की बात आ गई। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखो किस तरीके से बन सकता है, दैट विच अमंग द फॉलोइंग प्लान for the first time talked about the importance of or the need of voluntary arbitration, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि देखो जी, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में कन्फ्लिक्ट आता है, तो उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीधा कोर्ट में चले जाओ, एक आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए जो दोनों वर्कर और एम्प्लॉयर को सामने बिठाए, उनकी बात सुने एंड अकॉर्डिंगली उनको अपने कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में हेल्प करे। तो थर्ड 5 ईयर प्लान ने क्या बोला कि सरकार को ये इनिशिएटिव लेने हैं कि वो आर्बिट्रेटर्स के पैनल बनाए रीजनल लेवल के ऊपर भी, यानी कि रीजन वाइज नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या स्टेट वाइज, और इंडस्ट्री वाइज भी कि अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग आर्बिट्रेटर्स आपने सेट कर दिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन क्या करता है, बेसिकली डिस्प्यूट को म्यूचुअली रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, ओके। उसके अलावा प्लान ने क्या बोला, जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान है, ये बोलता है कि वर्क्स कमेटी को स्ट्रेंथन करो, ठीक है, वर्क्स कमेटी को स्ट्रेंथन करो और लेबर मैटर्स के अंदर ये एक्टिवली काम करे जो वर्क्स कमेटी है। वर्क्स कमेटी वगैरह क्या होता है वो आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस होगा। फोर्थ 5 ईयर प्लान के ऊपर आ जाओ। फोर्थ 5 ईयर प्लान क्या था, इसके अंदर देखो जो रेगुलेशन था उसके अंदर तो कुछ खास चेंज आया नहीं, ठीक है, जो पहले चल रहा था, चाहे कोई नया कानून नहीं आया, कोई नई वॉलेंटरी अरेंजमेंट नहीं आई, जो चल रहा था सब जो पहले वैसे ही चल रहा था। ये प्लान मेनली किस चीज के ऊपर बात कर रहा था कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है और ट्रेनिंग। ये बेसिकली वही पीरियड है जब आप प्राइम मिनिस्टर थे जो उस टाइम के इंदिरा गांधी, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ गरीबी भगाओ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था और ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था। साथ ही साथ यहाँ पर 4th 5-year प्लान ने क्या बोला, कोई नया कानून नहीं आ रहा, इन्होंने क्या बोला कि जो एग्जिस्टिंग लेबर एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको स्ट्रांग बनाओ ताकि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, ठीक है, उनका एनफोर्समेंट बेटर किया जा सके, नए कानूनों के ऊपर रिसर्च की जा सके, जो लेबर ऑफिसर्स हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा सके। तो ये जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म था ना उसको स्ट्रेंथन करने के ऊपर फोकस कर रहा था 4th 5-year प्लान। फिर आ जाता है जी आपका 5th 5-year प्लान। अगेन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मेजर फोकस था, रूरल और अर्बन सेक्टर्स दोनों के अंदर। एंड यहाँ पर एक सरकार ने रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया 1975 में, जिसमें सरकार ने ये बोला कि शॉप और प्लांट लेवल के ऊपर वर्कर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इंडस्ट्री में। वर्कर पार्टिसिपेशन को यहाँ पर अगेन एनकरेज किया गया। उसके अलावा बहुत कुछ खास 5th 5-year प्लान में नहीं हुआ। फिर आ जाओ जी 6th 5-year प्लान। 6th 5-year प्लान ने सबसे पहली बात क्या बोली कि देखो जी स्ट्राइक या लॉकआउट जो होता है ना ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, ये सिर्फ लास्ट स्टेज एक ऑप्शन होना चाहिए। और बिल्कुल अगर आप सारे अपने रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स को एग्जॉस्ट कर चुके हो तो ही आप जो है स्ट्राइक या लॉकआउट जैसे प्रोविजंस का इस्तेमाल करें, अदरवाइज डोंट यूज देम। ओके, तो बेसिकली एक एम्फसाइज क्या कर रहा था कि जो स्ट्राइक एंड लॉकआउट है वो ना हो, ठीक है, वो क्योंकि वो एक इकोनॉमी के लिए काफी पुअर होता है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि देखो इस टाइम तक क्या हो गया था कि बहुत सारी यूनियंस बन गई थी, ट्रेड यूनियंस बन गई थी, तो अल्टीमेटली वो ट्रेड यूनियंस आपस में ही लड़ती रहती थी। तो ये क्या बोले कि एक स्पेशल अरेंजमेंट होनी चाहिए जिससे ये जो इंटर यूनियन डिस्प्यूट है ना इसको रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है, और जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस या इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ट्रेड यूनियंस के अंदर हो रहा है उसको भी कम किया जा सके, ठीक है। ट्रेड यूनियंस को हेल्दी लाइंस पे एनकरेज किया जाए, ठीक है। यहाँ पर साथ के साथ ये भी बोला गया कि ट्रेड यूनियन सिर्फ कोई पावर गेन करने के लिए नहीं होता या पॉलिटिसाइजेशन के लिए नहीं होता। ये एम्फसाइज किया गया कि ट्रेड यूनियन के सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, वो नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं और वर्कर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने का काम है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली नहीं है। ये एक तरीके से यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो दिया गया। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो एग्जिस्टिंग कानून है ट्रेड यूनियंस के ऊपर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर, उन सब के अंदर अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है उन चेंजेस को लेकर के आया जाए। नेक्स्ट आ जाता है जी आपका 7th 5-year प्लान जो 1986 से 91 का था। यहाँ पर क्या बोला गया कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव किया जाए। अगेन एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की यहाँ पर बात कर रहा था। यहाँ पर यह भी स्ट्रेस किया गया कि अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस की प्रॉपर मैनेजमेंट चाहते हो तो यूनियंस और एम्प्लॉयज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी पड़ेगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एम्प्लॉयर की नहीं है। और ये जो इंट्रा यूनियन राइवलरीज या इंट्रा यूनियन डिवीजन चल रही है ना इनको अवॉइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके लिए अरेंजमेंट्स होने चाहिए। फिर आया जी आपका 8th 5-year प्लान। 8th 5-year प्लान 1992 से 97 तक था। लेबर पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया गया कि मैनेजमेंट में लेबर पार्टिसिपेशन को लेकर के आया जाए, इससे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आएगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर। और साथ ही साथ वर्कर्स की प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर स्ट्रेस यहाँ पर दिया गया। 9th 5-year प्लान अब क्या बोला, 9th 5-year प्लान बोला कि देखो जी लेबर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है और साथ ही साथ वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप लेबर मार्केट में हार्मनी चाहते हो। तो अल्टीमेटली सरकार को प्लानिंग डॉक्यूमेंट ने क्या बोला कि आप जो पैसा है उसको किस तरफ लेकर के जाओ, जो लेबर रिलेशन से रिलेटेड पैसा आप एलोकेट कर रहे हो, वर्कर्स के स्किल फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट आप करो, जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वर्कर्स तक प्रॉपरली पहुंचे, वर्किंग कंडीशंस को मॉनिटर करो कि क्या हेल्दी वर्किंग कंडीशंस हैं, इंडस्ट्रियल हार्मनी की क्रिएशन के ऊपर काम करो, डिजीज और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंश्योरेंस होना चाहिए वर्कर और उनकी फैमिली के लिए। तो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था 9th 5-year प्लान का। वो क्यों था क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने क्या ऑब्जर्व किया कि इस टाइम तक देश के अंदर जो है ना वो सरप्लस लेबर क्रिएट हो गई थी। अब सरप्लस लेबर के क्रिएट होने की वजह से क्या हो रहा था कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जो वर्कफोर्स है उसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा था। ज्यादातर वर्कर्स इंडिया के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे जिसको सरकार मॉनिटर नहीं कर पा रही थी बहुत अच्छे से, ठीक है। और इसी वजह से क्योंकि लेबर सरप्लस थी, तो जब लेबर सरप्लस होगी तो कैपिटलिस्ट डेफिनेटली उसको एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सरप्लस है, उसके पास अगर एक आदमी जाएगा तो 5 आदमी और खड़े हैं लाइन में नौकरी लेने के लिए, है ना। तो अल्टीमेटली सोशल जो अनहेल्दी सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो एनकरेज हो गई, जैसे बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, वर्किंग कंडीशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो प्लानिंग डॉक्यूमेंट ने हाईलाइट की और 9th 5-year प्लान में टारगेट किया गया कि वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए काम किया जाएगा और उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा 5-year प्लान था जिसने पहली बार सोशल सिक्योरिटी की बात की फॉर द वर्किंग क्लास। नेक्स्ट आ जाता है जी 10th 5-year प्लान जो 2002 से लेकर के 2007 था। इसके अंदर भी अगेन वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल बिल्डिंग के ऊपर बात की गई सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ, एंड 11th प्लान के अंदर भी इसी चीज को रीइक्वेट किया गया। फाइनली आ जाता है आपका 12th 5-year प्लान। तो 12th प्लान का जो फोकस था वो था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, जॉब क्रिएशन और सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर। अगेन देखो 9th 5-year प्लान के बाद सोशल प्रोटेक्शन ने बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करना शुरू कर दिया। लेबर लॉज के साथ कॉम्प्लायंस किया जाए इसके ऊपर सरकार ने टारगेट किया, लॉज को सिंप्लीफाई किया जाए जिसके लिए आपके लेबर कोड्स भी आए बाय द एंड ऑफ 12th 5-year प्लान। उसके अलावा इंडस्ट्री और वर्कफोर्स का रिलेशनशिप के ऊपर काम किया जाए, 1 union in 1 industry पॉलिसी लेकर के आई जाए ताकि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वर्कर्स की उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। और वर्कर पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करने वाले इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए, स्टेट इंटरवेंशन हो ताकि हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस रहें। तो ये सब जो है 12th 5-year प्लान के अंदर आपके था। सो दीज आर द 5-year प्लान गाइज, एंड ये अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ से बन सकते हैं। मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल दिया, एमसीक्यूज के लिए भी हम लेक्चर्स लेकर के आएंगे वंस वी आर डन विद द थ्योरी। सो किसी को कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम के ऊपर पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, चैट ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, जो आपका मन करे। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।